बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अप्रैल और रमज़ान मुबारक के बकिया दिनों के दौरान गर्मी की ताकतवर लहर, दर्जा हरारत में इजाफे और एक मरतबा फिर शुरू होने वाली बारिशों के लंबे शदीद सिलसिलों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम रात और आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। दिन के औकात में तेज़ धूप होगी और बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तहम वेदर लवर्स, 16-17 अप्रैल से मगरबी हवाओं के ताकतवर सिलसिले मुल्क में दाखिल होंगे, जो कि ईद अल फितर के दौरान और इसके बाद भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों, मरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पटवार समेत शुमाल मशरकी बालाई वस्ती पंजाब और जुनूबी पंजाब में तेज़ तूफानी बारिशों और यालाबारी का इम्कान है, जबकि क्वेटा समेत बलोचिस्तान के बेश इलाकों और कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सुबह सिंध में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान। याद रहे, सिस्टम के दौरान आंधी की रफ्तार बाज़ इलाकों में 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए शदीद नुकसान का अंदेशा है। बारिश की मकदार अगर देखें तो बालाई इलाकों में 100 से 150 मिलीमीटर तक भी हो सकती है, जिससे सैलाबी सूरत पैदा होने का खतरा है। इसलिए किसान और शहरी मोहतात रहें। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।